आ गया। चलिए तो राजस्थान बिजली विभाग या यूं कहें जो JVVNL है इसका प्री का रिजल्ट आ गया है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें खूब सारी बधाइयाँ। तो आज मेरा टारगेट ये है, आपको ये बताना है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो है मेंस भी पास हो जाए। तो अभी प्री का रिजल्ट आया है, जिनका भी पेपर पास हुआ है उन्हें खूब सारी बधाइयाँ और खूब सारी शुभकामनाएँ। और मैं अगले 10-15 मिनट में आपको ये बताऊँगा कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो मेंस है वो क्लियर हो जाए और हम राजस्थान बिजली विभाग में जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उस पर लग जाएं। तो मैं आपके पास बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल आपका टाइम ना ख़राब करते हुए बिल्कुल सीरियस बातचीत करते हैं, मतलब बिल्कुल सिंसियरली। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ एक पेज आपको दिख रहा होगा, तो इस पेज में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल जो वैकेंसीज हैं, देखिए अब की बार जो टोटल वैकेंसीज हैं जिनके लिए मतलब मेंस अब होना है, तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1405 एक वैकेंसी है और 107 एक वैकेंसी है। मतलब अगर हम इनको जोड़ दें तो टोटल 1512 लड़के लड़कियां लगने हैं, टोटल 1512 का फाइनल सिलेक्शन होना है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि मतलब टोटल जो वैकेंसी अभी हैं वो 1512 वैकेंसी हैं कुल मिला करके, TSP और नॉन TSP एरिए को मिला करके कुल 1512 वैकेंसी है, यानी जिनको फाइनली ज्वाइनिंग मिलनी है वो 1512 हैं अभी तक। तो अब देखिए कितने लड़कों को पास किया गया है, तो अब उसको देखते हैं। तो देखिए अगर हम न्यूज़ पर जो खबर चल रही है वो ये है कि टोटल जो लड़कों को पास किया गया है वो 16,824 लड़कों को पास किया गया है, मतलब कुल जो जिनका फाइनल अभी मतलब सॉरी प्री जिन्होंने पास किया है, प्री पास करने वालों की जो संख्या है वो 16,824 है। राजस्थान प्री का रिजल्ट आ गया है, बिजली विभाग में जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उस वाला, टोटल 1512 लड़कों का सिलेक्शन होना है और टोटल लड़के पास कितने किए हैं, 16,824 लड़के पास किए हैं। तो अगर हम 16,824 में 1512 का भाग दें तो मतलब लगभग इन्होंने 12 गुणे लड़के पास किए हैं, मतलब एक सीट के लिए 12 लोगों में लड़ाई है। तो हम ऐसी कैसी लड़ाई लड़ें या हम ऐसा क्या करें कि ये जो 12 लड़के हैं इनमें हम टॉप करें, यानी हमारी रैंक पहली हो। तो अभी जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें एक सीट के लिए 12 लड़कों को पास किया है। अब की बार जो ये पेपर हो रहा है उसमें 2-3 बातें हैं जो पहली बार हो रही हैं। अब से पहले ये होता था कि राजस्थान बिजली विभाग में ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट है यानी कि लाइन मैन की पोस्ट है उसके लिए केवल एक पेपर होता था, अब की बार पहली बार हो रहा है कि इसमें 2 पेपर हो रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा काम जो अब की बार पहली बार हो रहा है वो ये है कि पिछली बार क्या होता था, जयपुर की मेरिट अलग जाती थी, अजमेर की मेरिट अलग जाती थी, जोधपुर की मेरिट अलग जाती थी, अब की बार सभी की जो मेरिट गई है वो एक ही गई है, ये बहुत ही खुशी की बात है। यानी कि कई बार क्या होता था, अजमेर की मेरिट मान लो कम चली गई, जयपुर की ज़्यादा चली गई, तो कोई आदमी कहीं से पास होता है तो कहीं से फेल हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब देखो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, कुल मिलाकर एकदम पूरी तरह से मेहनत करनी है एकदम। देखिए दूसरी खबर हमें ये बता रही है कि टोटल जो लड़कों ने पेपर में जो शामिल हुए थे वो लगभग 1,40,000 के आसपास थे। तो सभी को शुभकामनाएं कि देखो कम से कम आपने प्री तो पास किया, नेगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम हमने एक रेस तो क्रॉस की। अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो ये वो सिलेबस है जिसके आधार पर ये जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है इसी के आधार पर मेंस का पेपर बनना है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो देखिए भाई मैं मेंस पे पास करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता हो कि मेंस में प्रश्न कितने आएंगे, यानी कि टोटल प्रश्न कितने होंगे। तो देखो एकदम साफ सुथरा खुले शब्दों में लिख रखा है कि 150 क्वेश्चन आएंगे और वो 150 ही नंबर के होंगे, एकदम अच्छे से देखो लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे लाइनमैन में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मुझे 150 क्वेश्चन से कुश्ती लड़नी पड़ेगी, मैं कुछ ऐसा करूं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं कि 150 क्वेश्चन में मेरी स्थिति सबसे अच्छी हो।
ठीक बात है भाई, ये 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे कितना टाइम मिलने वाला है? तो देखिए, इसमें साफ खुले शब्दों में लिख रखा है कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, मतलब आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए 120 मिनट होंगी, और उस 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 150। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब बात ये है कि ये 150 क्वेश्चन है, ये आएंगे कहाँ से? यानी कि 150 क्वेश्चन जो पेपर बनाने वाला है वो 150 क्वेश्चन कहाँ से हमें देगा? तो देखो, अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जितनी हम हेल्प कर सकते हैं उतनी आपको करेंगे 150 क्वेश्चन से संबंधित। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि इस पेपर में साफ साफ लिख रखा है कि भाई 100 नंबर की टेक्निकल आएगी। बढ़िया बात है, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ये टेक्निकल है। तो सबसे पहली बात है कि मैं टेक्निकल में ऐसा क्या पढूं कि मेरा स्कोर अच्छा आए? तो देखो, मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि अभी मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मेरे 100 में से 80 नंबर आ सकते हैं अगर मेरा आज पेपर लिया जाए तो। ठीक बात है, ओके। अब बात यह है कि मेरे को 80 से बढ़ा करके 85 नंबर मेरा स्कोर करना है, मतलब मुझे 5 नंबर अपने बढ़ाने हैं। भाई मेरे को पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 100 में से 80 नंबर की मेरी तैयारी है, मुझे 80 नहीं 85 लानी है। या मैं यूँ कहूँ, जिन लोगों को 2-3 साल पढ़ते हुए हो गई, वो अपने टेक्निकल में नंबर कैसे बढ़ाएं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं टेक्निकल में होशियार हूँ, भाई हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल में आप और ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हो, ये बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, नंबर वन, कि मैं क्या करूं कि मेरा सीधा टेक्निकल में स्कोर बढ़ जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो पेपर है ना, वो राजस्थान का है, राजस्थान बिजली विभाग का है। तो अभी राजस्थान में पिछले 2-3 साल में जितना भी टेक्निकल पेपर हुए हैं ना, उन टेक्निकल पेपर को आपको सोल्व करना है। ये ऐसे समझ लो जैसे देसी घी। क्या कह रहा हूँ मैं भाई, राजस्थान का पेपर है ये, तो अभी पिछला 2-3 साल में जो टेक्निकल का पेपर हुआ है राजस्थान में, उन टेक्निकल पेपरों को आपको सोल्व करना है। अब कौन से टेक्निकल पेपर? तो देखो भाई, राजस्थान में एक पेपर तो हुआ है, जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ है, और मैंने जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर है अपने कुलदीप जो इंडिया चैनल है उस पर सोल्व करवा रखा है, और जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएंगे उसमें भी जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर और आंसर किए वो हम सेंड करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है होता है ना, इसका अभी एक पेपर हुआ है राजस्थान में, उस पेपर इलेक्ट्रिकल वाला, उस पेपर को आपको सोल्व करना है। पेपर इधर उधर से पेपर डाउनलोड करो, उसकी आंसर की डाउनलोड करो और उसको एक बार देख लो, ठीक है। एक तो जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर मैं बता रहा हूँ, दूसरा पेपर एक राजस्थान में हुआ है वायरमैन का पेपर, तो उस वायरमैन के पेपर को आप सोल्व कर लो। दो पेपर तो ये मैंने बताए आपको। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थान में भाई अपने जो ये CITS है, इसमें एडमिशन लेने के लिए एक पेपर होता है, तो उस पेपर को भी आप सोल्व कर लीजिए। 3 पेपर मैंने बता दिए। चौथी बात और मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में पिछला 2-3 साल में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी 2 बार आई है। अब एक होता है जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा और एक होता है जूनियर इंजीनियर डिग्री। तो जूनियर इंजीनियर डिग्री वाला पेपर आपको नहीं सोल्व करना है, जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा वाला पेपर है ना, उस पेपर को आपको सोल्व करना है। वो ये समझो देसी ही है। अब मान लो डिप्लोमा के पेपर में कोई क्वेश्चन कठिन आया है, उसको आप छोड़ दो, लेकिन जो हल्के हल्के क्वेश्चन आए हैं ये डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल के, कम से कम मेरे हिसाब से 6 पेपर आपको मिल जाएंगे, 6 पेपर या 4 पेपर या 8 पेपर के लगभग हैं इन पेपर। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको मिल जाएंगे RSMSSB की साइट पे मिल जाएंगे। हमसे सर्च करना नहीं आता, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप जो ग्रुप मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये पेपर सेंड कर दूंगा। मैं क्या कहने लग गया पता नहीं, तुम क्या कह रहे हो? भैया मैं ये कह रहा हूँ मेरे को नौकरी चाहिए, तो नौकरी कैसे मिलेगी? जब ये टेक्निकल का 100 नंबर में मेरे टेक्निकल मेरी इंप्रूव होगी। मैं 4-5 साल से टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो मैं विद्वान हो गया? भैया ऐसा नहीं है, राजस्थान का पेपर है ये टेक्निकल का, तो राजस्थान में जो भी टेक्निकल के पेपर हुए हैं उन पेपरों को सोल्व कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 पेपर हैं टेक्निकल के। कौन कौन से?
एक जूनियर इंस्ट्रक्टर का है, एक वायरमैन का इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रीशियन वाला, एक CITS का प्रवेश वाला पेपर है, और लगभग 4 पेपर या 6 पेपर जूनियर इंजीनियर के हैं। और हम जूनियर इंजीनियर का पेपर पढ़ेंगे? अरे भैया, जूनियर इंजीनियर में जो डिप्लोमा लेवल का पेपर सीधा आता है, अगर उसमें 80 क्वेश्चन हैं तो लगभग 60 या 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप भी कर सकते हो। तो उन पेपरों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक बात है। एक बात और मैं कह रहा हूँ भैया, पिछली बार जब लाइन मैन का पेपर हुआ था तो वो लगभग 19 पेपर हैं, और हर पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे, तो 1900 प्रश्न वो हैं। उन 1900 प्रश्नों को भी आप रट लीजिए। तो 1900 प्रश्न कौन से हैं? लाइन मैन का जो पेपर अभी आप दोगे मेंस, ये पिछली बार भी हुआ था, तो पिछली बार के 1900 प्रश्न हैं। इन 1900 प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। मैंने तो कई बार पढ़ लिया। भैया तुम आइंस्टाइन नहीं हो। 1900 प्रश्न में से 19 प्रश्न तो ईशा होएगा कि अगर वो आपको डायरेक्ट परोस दिए जाएं तो आप गलत कर सकते हो। तो सीधा सीधा एक एक पेपर को उठाओ और यह देखो कौन सा प्रश्न मैं एग्जाम में गलत कर सकता हूँ, और तुमको लगता है कि यह क्वेश्चन मैं गलत कर सकूँ, उसको एक अलग कॉपी में नोट कर लो। जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर को सोल्व करो, तुम्हें लगता है यार ये 5 क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ, एक कॉपी में नोट कर लो। वायरमैन का पेपर सोल्व करो, यार ये 10 क्वेश्चन मैं नहीं जानता या मैं एग्जाम में गलत कर सकता हूँ, उनको लिख लो। CITS वाला लिख लो। डिप्लोमा का जो 4 पेपर हैं या 6 पेपर हैं वो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें जो क्वेश्चन लगता है यार मैं ये गलत कर सकूँ या एग्जाम में, वो एक अलग कॉपी में नोट कर लो। या तो बात होगी टेक्निकल की। उसके अलावा और टेक्निकल में आपको क्या करना है, एक बात यह है कि तुमने किसी भी टीचर से पढ़ाओ, तुम किसी भी कोचिंग में पढ़े हो, वो टीचर ने जो भी तुम्हें कुछ पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लीजिए। तुम सुबह टीचर की बुराई कर रहे हो, शाम को टीचर की बुराई कर रहे हो, टीचर को गालियां दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि राम और श्याम में तुलना करेंगे तो राम बढ़िया है या श्याम बेकार है। भैया टीचरों की तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टीचर ने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसका रिवीजन करिए। तुम्हारे टीचर से व्यक्तिगत संबंध खराब है कोई मतलब नहीं है, तुम्हें उसने जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करना है, सुबह 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, तुम जितनी बजे भी जगते हो, जगते ही कछु भी मत करो, न फ्रेश होने जाना है कुछ भी नहीं, सीधा जो भी मास्टर ने पढ़ाया वह कॉपी को ले बैठ जाओ और 1 घंटा 1.5 घंटा वह चीज़ को रिवीजन कर लो। तो ये हो गया आपका रिवीजन। मैं केवल टेक्निकल की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मतलब जो नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सुबह शाम एक ही काम, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, इस बात को समझ लो भाई। पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे, तुम थ्योरी की PhD करने में लगे हो कि जनरेटर में फ्लक्स कैसे बन रहा है, जनरेटर में करंट के ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ो। अब बात है ऑब्जेक्टिव पढ़े कहाँ से, समस्या तो वही है। तो भैया मैंने 1900% तो तुमको लाइन मैन के बता दिए, और जूनियर इंस्ट्रक्टर हो गया, CITS वाला हो गया, और डिप्लोमा वाले पेपर हो गए, लगभग 500% ये हो गया। कितना प्रश्न हो गया, 2400% हो गया। बात समझ में आ गई। इसके अलावा और तुम्हारा मतलब और तुम्हारे पास समय तो भाई यूथ वाली किताब को पढ़ लो, जो 8000 क्वेश्चन वाली आई है। जो क्वेश्चन यूथ में यार वह क्वेश्चन मौजूद ना हो, जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ है उसे छोड़ दो भाई, कोई परेशान होने की बात नहीं है। उसके अलावा जिन लोगों को 2 साल 3 साल पेपर देते हो गई भाई, उन्होंने दिल्ली मेट्रो का पेपर भी दिया होगा, जयपुर मेट्रो का पेपर भी दिया होगा, लखनऊ मेट्रो का पेपर भी दिया होगा, तो तुमने जो पेपर दिया है ना उसमें जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए उनकी भी तुम प्रिपरेशन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, तुम 3 साल से तैयारी कर रहे हो, मान लो UPPCL में वैकेंसी आई थी तो तुमने पेपर दिया था, लखनऊ मेट्रो में आई थी तो तुमने दिया था, जयपुर मेट्रो में आई थी तो तुमने दिया था, तो वो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए ना उनको एक बार देख लीजिए। बात समझ में आई। तो टेक्निकल के लिए इतना ही है। अब अपन कंक्लूजन के तौर पर एक बार कह देते हैं कि टेक्निकल में मैंने क्या कहा है, 100 नंबर हैं और ये 100 नंबर हमारी ज़िंदगी बदलेंगे। मैं खूब होशियार हूँ, खूब मुझे टेक्निकल आती है, मैं 80 नंबर करके आ सकता हूँ, मैं आज के से एग्ज़ाम तक अगर पढ़ूँ ना तब भी, लेकिन 80 से मेरा स्कोर 85 कैसे हो, यह बात है, 80 से 85 कैसे हो, यही बात है। तो मैं 5 नंबर या 7 नंबर या तैयारी इंप्रूव करने के लिए कह रहा हूँ कि राजस्थान में जो भी पेपर हुए हैं उनको आप सोल्व करो, टेक्निकल वाले। कौन कौन से पेपर सोल्व हुए हैं, कौन कौन सा पेपर हुआ है, जूनियर इंस्ट्रक्टर, CITS वाला, वायरमैन वाला और डिप्लोमा JEE वाले। बात समझ में आ गई। जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, 1900% पिछले साल वाले पढ़ने हैं और यूथ पढ़नी है। और कुलदीप राजस्थान चैनल पे 21 वीडियो हैं, 21 हैं या 23 वीडियो हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन वीडियो को जरूर देख लेना।
पिछली बार जब लाइनमैन का जो पेपर आया था उसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से आए थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से, और वो उन वीडियोज से थे। तुम्हारा मन करे तो देखना, नहीं मत देखना, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी अच्छे वीडियो कुलदीप राजस्थान चैनल पर, कुलदीप इंडिया चैनल पर हैं। ठीक है, डन है, तो टेक्निकल की बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस सिलेबस में जो मेरे को सबसे तगड़ी चीज़ लग रही है 100 के अलावा, वो 30 नंबर है। ये जो 30 नंबर है ना, ये सलेक्शन को करवाने वाले नंबर हैं। ये 30 नंबर कौन से हैं? इसमें लिख रखा है कि भैया जो है आपका 30 नंबर राजस्थान की जीके के हैं, 30 नंबर, बढ़िया है। अब बात ये है कि भाई ये 30 नंबर में से क्या करें कि ये 30 नंबर में हमारा स्कोर अच्छा हो जाए और हम लाइन मैन बन जाएं। एक तो तुम पढ़ो मत पढ़ो, तुम होशियार हो ना हो, अपना दिमाग में बैठा लो कि भैया ये पेपर में मेरा सिलेक्शन होगा। सुबह शाम नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। कम से कम हर पेपर में 1% लड़के तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो सुबह शाम नेगेटिव भाषण देते हैं, अरे यार पेपर आउट हो रहा है, अरे यार वैकेंसी खा रही है, उनका मतलब नेगेटिव भाषण। अपना खास फ्रेंड से बात करेंगे, वो भी हुशियार है, फ्रेंड भी हुशियार है, अरे यार कहाँ ही बताए पेपर भी आउट हो सके और यह समस्या है वह समस्या है। भैया जब तक पेपर ना हो जाए तब तक नेगेटिव बात मत बोलो, तुम्हारी नेगेटिविटी के कारण भी तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनका हाल ये, अरे यार पेपर आउट हो रहा है, वैकेंसी जाना आएंगे कि ना आएँ, और यार यह समस्या है, इन्होंने तो टाइम ही कम दिए, मैंने तो कोचिंग ना करी, जब ये खूब होशियार हैं वो। भैया नेगेटिव ना बोलो। अब मैं कह रहा हूँ इन 30 नंबरों में मैं क्या करूँ ताकि मेरा स्कोर अच्छा हो। तो भाई ये 30 नंबर में लिख रखा है राजस्थान। तो देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो या मैं लिख रखी है करंट अफेयर, या मैं लिख रखी है करंट अफेयर, राजस्थान की करंट अफेयर लिख रखी है। अब मैं क्या करूं करंट अफेयर के लिए? तो भैया बात ये है, दुनिया में सबसे बड़ा जो आविष्कारों में से एक आविष्कार है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे जाओ और लिखो राजस्थान करंट अफेयर, और जैसे अभी ये जुलाई चल रहा है तो वहाँ से शुरू हो जाओ, लगभग पिछले 6 महीने शुरू हो जाओ, और हर महीना की करंट अफेयर को देख लो, एक वीडियो देख लो, उसी वीडियो को सुबह देखो, उसी वीडियो को शाम को देखो, उसी वीडियो को दोपहर में देखो। भाई 6 महीना का 6 वीडियो हैं तो 6 महीना का ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 वीडियो देख लो, 20 वीडियो देख लो राजस्थान का करंट अफेयर के, लेकिन देखना पड़ेगा अच्छे से। यार इतना सब है तो भाई फिर ना है, नौकरी के लिए सब करना पड़ेगा, तो करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर लो, यूट्यूब्स के माध्यम से ये हो जाएगा। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए जैसे राजस्थान में कई मूमल चलती है, क्रोनोलॉजी वगैरह कई बुक चलती हैं, उसके माध्यम से भी आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर को हल्के में ना लें, एक तो बात यह है। दूसरी बात, अब यहाँ मैं लिख रखी है हिस्ट्री भी लिख रखी है, इसमें ज्योग्राफी भी लिख रखी है, इसमें कल्चर भी लिख रखा है। तो भैया हिस्ट्री अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है या पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो भैया आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको थ्योरी पे पूरी PhD है लेकिन उन्होंने क्या नहीं पढ़ रखी, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रखी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूँ, मैंने कई बार जैसे मान लो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, मेरी बहुत अच्छी पकड़ है और थ्योरी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सीधी सीधी बात। अब बात यह है कि मैं टेक्निकल का ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने मैंने ना तो हिस्ट्री पढ़ी है ना ज्योग्राफी पढ़ी, तो मैं क्या करूँ? तो देखो अब हिस्ट्री में मान लो मारवाड़ हो गया, हिस्ट्री में मान लो आपका मेवाड़ हो गया, फिर हिस्ट्री में मान लो आपका बीकानेर हो गया, या फिर कोटा हो गया, या फिर सिरोही के सैमल देवड़ा मतलब देवड़ा शाखा होगी, तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है और ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। अब आप इन सब राजाओं को एक महीने में तो अपने दिमाग में फिट कर नहीं सकते, तो ऐसा क्या करें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारा अच्छा स्कोर हो जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सब समस्याओं का एक ही इलाज है, अब वो इलाज क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब अभी जो पिछली 2 साल हैं या में राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेपर हुआ होगा, जैसे पटवारी का पेपर हुआ है, जैसे वीडियो का पेपर हुआ है, जैसे RAS का पेपर हुआ है, जैसे पुलिस का पेपर हुआ है, ठीक। अब क्या करें आप? भैया देखो चाहे RAS हो, चाहे पटवारी हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे पुलिस हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेट पर डाला कि भाई पटवारी मतलब पेपर का सोल्यूशन, तो पटवारी के पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मान लो पटवारी का एक वीडियो है लगभग 2 घंटे का है, भैया चुपचाप शांति से वह वीडियो को देख लो, इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प भी नहीं है। पटवारी का वीडियो देख लो, और पटवारी के अलावा जैसे RAS का पेपर है वो देख लीजिए,
इसके अलावा ये जो आपका वीडियो वाला है इसे देख लीजिए, पुलिस को देख लीजिए, यानी कि पिछला दो साल का लगभग 10 पेपर देख लो जो मैं राजस्थान जीके आई हो, मतलब ज्योग्राफी आई हो और हिस्ट्री आई हो, इसको अच्छे से उन पेपरों को तैयार कर लीजिए। और कई मार्केट में बुक भी चल रही हैं, उन बुकन में वही क्वेश्चन है जो अभी करंट पेपरों में आए हुए हैं, और उन क्वेश्चनों को रट लो, अपना दिमाग में बैठा लो। अगर इन प्रश्नन में से कोई प्रश्न आए हो तो मेरे गलत नहीं जानो चाहिए, बात समझ में आ गई। और अब ये बात होगी, इसके अलावा क्या करें, जैसे ये मैंने पर्सनली ये बात देखी है कि जो जैसे आपका, फिर मैं वही बात कहूँगा, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें जीके आई थी, उसमें ज्योग्राफी आई थी, उसमें हिस्ट्री आई थी, तो भैया उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लीजिए। जो जूनियर इंजीनियर का पेपर है डिप्लोमा वाला, चाहे डिप्लोमा सिविल हो, चाहे डिप्लोमा मैकेनिकल हो, चाहे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो, उनमें भी राजस्थान की जीके आई है, उन क्वेश्चनों को याद कर लो। और राजस्थान जीके का डिग्री वाला पेपर है वो वाले क्वेश्चन भी आप याद कर लो, तो लगभग आपके पास में 700 क्वेश्चन हो जाएंगे, 700 या 800 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, उन्हें घोट के पी लीजिए, बार बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है, देखो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, फोरकास्टिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि अगला एक महीने में ये पेपर हो जाएगा, भगवान करे आपको ज़्यादा समय मिले, लेकिन अभी अपन मोटा मोटा ये मान के चल रहे हैं। तो क्या गीत गा दिए मैंने, मैंने ये कहा है कि भैया इस 30 नंबर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर की तैयारी करनी है, करंट अफेयर के लिए वीडियो देख लो, मार्केट में बुक अवेलेबल है, एक बात। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए क्या करने हैं, वही प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने हैं, टेक्निकल पेपरों के क्वेश्चन जरूर देख लेना, जूनियर इंस्ट्रक्टर के, जूनियर इंजीनियर के, और जो भी पेपर हैं, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात ये है कि भैया पेपर में जो है 10 नंबर की क्या आएगी, वो आएगी इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड है भाई। अब यहाँ मैं करंट अफेयर भी लिख रखी है, ज्योग्राफी लिख रखी है, हिस्ट्री लिख रखी है। अब तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूँ, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, और भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है तो उनका पहले किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो रखा होगा, या ब्रिलियंट है तो उनका इस एग्ज़ाम में भी होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पेपर देंगे आपके साथ वाले लड़के, ये आप जैसे ही लड़के होंगे, अब मान लो इनको वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी में भी ये महारत हासिल किए हुए हैं, तो भाई फिर उन लड़कों की तो बात ही क्या कर रहे हो आप। मेरा कहने का मतलब एवरेज या बिलो एवरेज लड़के ही आपके कंपटीशन में हैं, आप घबराइए मत भाई। जैसे वर्ल्ड लिख रखा है सिलेबस में, अरे यार 10 नंबर में तो वर्ल्ड भी है, तो भैया जो ऐसा लड़का है जिसको वर्ल्ड की नॉलेज है, तो उसका कहीं पहले सिलेक्शन हो गया होगा या फिर इस पेपर में हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब एवरेज लड़के ही आपके साथ हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। अब बात क्या है, अब करंट अफेयर का क्या करें, करंट अफेयर की बात कर रहे हैं इंडिया की, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है करंट अफेयर, बिल्कुल आपको अच्छा, पहले मैं वीडियो बोल देता हूँ भाई, पिछला 6 महीना का जैसे YouTube पर डालो जून करंट अफेयर वीडियो, मई करंट अफेयर वीडियो, और 6 महीना का 10-15 वीडियो अच्छे से देख लो, प्लस इस करंट मतलब अफेयर में आप अपॉइंटमेंट भी देख लेना कि अभी कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए, एक स्पोर्ट्स देख लेना कि खेल में अभी क्या हुआ है। इसके अलावा इस करंट अफेयर का एक इलाज हो रहा है, और वो है 50 रुपया की स्पीडी की बुक, 50 रुपया की स्पीडी की बुक को आगे से नहीं पढ़ना है, उस पर 50 नंबर जो स्पीडी की बुक है उसे पीछे से पढ़ना है, उसमें पीछे से जैसे 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, इस तरह से उसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और वह पीछे जाते जाते 7-8-10 पन्ने हैं, उनको पढ़ लो आप, तो उससे आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। और फिर भी ना पार पड़े तो भाई तुम अपनी बेस्ट मेहनत करने की कोशिश करो, बस तुम्हारा जो बस है वो कर्म पर है, ना कि फल पर। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 5 नंबर की मैथ आएगी। भैया बात यह है, अब मैथ आएगी 5 नंबर की, अरे मैथ तो मोकू आवे, भैया इन बातों में कुछ नहीं रखा। फॉर एग्जांपल जैसे लाभ हानि है, ठीक है, जैसे आपका साधारण ब्याज है, जैसे आपका चक्रवर्ती ब्याज है, जैसे आपका समय काम मजदूरी है, जैसे नल वो सॉरी रेल संबंधित क्वेश्चन है, टंकी वाले क्वेश्चन है, हर एक प्रश्नावली से 5-5, 7-7 प्रश्न कर जाओ। अगर सब इनको एवरेज है, इनको अगर आप पढ़ कर जाओगे तो वहाँ आप ज़्यादा मतलब फैमिलियर महसूस करोगे, ज़्यादा फ्रेंडली महसूस करोगे। मेरा कहने का मतलब मैथ 5 नंबर की है, अब 5 में से तुम्हारा 3 नंबर आया और तुम्हारे 2 नंबर और आ सकते थे, तो भैया ये तो फिर लापरवाही कहलाएगी ना। मेरे कहने का मतलब जैसे मैथ है, ऐसा करो 1 घंटा आज मैथ को दे दो, और समय काम मजदूरी का 5 सवाल कर लो, चाहे सॉल्यूशन जो दे रखा है उन्हीं सवालों को कर लो, एक दिन 5 सवाल चक्रवर्ती ब्याज के कर लो, एक दिन 5 सवाल एवरेज के कर लो, तो इससे तुम्हारी मैथ है ना वो टच में बनी रहेगी, ठीक बात है। इसके बाद में 5 नंबर की साइंस आएगी,
भैया बात यह है, मरता हुआ आदमी सारे काम करता है, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। चाइंस तो मैंने कभी पढ़ी ना है, तो कभी पढ़ी नहीं तो घर बैठ भाई। अब भाई पढ़ना पड़ेगा, बिन पढ़े कुछ नहीं होगा। अब साइंस में क्या करें, जर्नल साइंस। अब जर्नल साइंस में क्या है, जैसे बायोलॉजी है इसको ज़्यादा प्राथमिकता दें, भाई कुछ भी आ सकता है, कोई बात ही नहीं है। सो जैसे बायोलॉजी में आपका लीवर हो गया, गोल ब्लीडर हो गया, और इसके अलावा जैसे आपका फॉर एग्जांपल लीवर मान लो, गोल ब्लीडर मान लो, इसके अलावा ये और क्या है, इसके अलावा विटामिन जो होते हैं, और इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यानी कि जो हमारी मतलब हमारा जो बॉडी है उससे संबंधित जो साइंस है उसको आप ज़्यादा प्राथमिकता पर रखें, बाकी वैसे साइंस अनलिमिटेड है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से 150 नंबर को आपको टारगेट करना है। बात समझ में आएगी? और इन सबसे तगड़ी जो चीज़ है वह यह है, ये कहो कि मेरी नौकरी लगेगी। प्लस भाई मान लो तुम्हारी एज अभी 23 साल है, ये मैं मान लेता हूँ, तो भैया 23 साल के लड़के तो कलेक्टर बन रहे हैं, तुम क्या लाइनमैन बनने लायक भी नहीं हो? और स्टेटस लगा रहे हैं, 5-7 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मेरा प्री क्लियर हो गया, मेरा प्री क्लियर हो गया। तुमने क्या चांद तारे तोड़ दिए? तुमने क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले अपने आप को ये भरोसा दिलवाओ कि मैं इस पोस्ट के लायक हूँ, ये कहो कि मैं कम से कम इतना तो लायक हूँ ही कि मैं ये वैकेंसी को निकाल सकता हूँ। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गलती से पेपर पास हो गया, या यूँ कहें कि जिनका पेपर पास हो गया, आप ये ना सोचें कि भाई मैं तो अब तक पढ़ा ही नहीं, अब मैं एक महीने में क्या पढ़ लूँगा। भैया जितना अच्छा बेस्ट प्रयास कर सकते हो उतना बेस्ट प्रयास करो। यार मैं तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। कई लोगों को तो मैंने बधाइयाँ दी और ये कहा कि आपको बधाई हो, आपका प्री क्लियर हो गया, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया, उन्हें पता है यार मैं एक महीने में क्या पढ़ूंगा। तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग ना रखें और एकदम अच्छे से समझो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। सीधी सीधी बात ये है, हर एक छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। प्लस मेरा एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका प्री पास हो गया और वो स्टेटस लगा रहा है कि एडमिशन करवाओ आईटीआई में। तो भैया बात यह है, तुम्हें जो जितना समय मिला है इस समय में प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। अच्छा, एक आईटीआई में निम्मी की किताब और चलती है, उस निम्मी के किताबों में जो 1000-1500 पर्सन लिख रहे हैं उनकी भी, उनको भी आप पढ़िए। प्लस मतलब पॉजिटिव महसूस करो, आप एक महीने में अपना बेस्ट दो ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो। चलिए ठीक है, अब मैं आपको मतलब नट साइल में बता देता हूँ आपको क्या करना है, एकदम 5 मिनट का एकदम शॉर्ट स्नैप। भाई 100 नंबर टेक्निकल है, राजस्थान का जितना भी टेक्निकल पेपर है उनको सोल्व करना है। कुलदीप इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो है 20-22 उनको देखना है। निम्मी का जो 1000 क्वेश्चन है उन्हें देखने हैं। लाइन मैन का जो 1900 प्रश्न है पिछले साल वाला उनको देखना है। ये सब मेटेरियल कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? 30 नंबर है राजस्थान जीके के लिए, क्या करें, करंट अफेयर है, मार्केट से कोई हल्के से किताब खरीद लो, वहाँ में से पढ़ो, यूट्यूब पर से वीडियो देख लो। ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए क्या करें, भाई अभी जो 10-20 पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आया उनको रट लो। अच्छा, इंडिया के लिए क्या करें, करंट अफेयर को तैयार करो यूट्यूब के माध्यम से, स्पीडी का माध्यम से। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की इनके लिए क्या करें, भाई जो भी अभी इंडिया के करंट जो अभी जीके के क्वेश्चन हैं यूट्यूब से सर्च करके उन्हें देख लो। मैथ के लिए क्या करें, मैथ के लिए क्या करना है, तो भैया मैथ के लिए समय काम मजदूरी इनके 2-2, 4-4 क्वेश्चन पर डे करो। जर्नल साइंस के लिए क्या है, बायोलॉजी को महत्व दें, बाकी तो कुछ भी आ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सो मेनी चीज़ें, लेकिन अपनी जो बायोलॉजी है उस पर थोड़ा सा काम करें। ठीक है, और बहुत सारी बधाइयाँ, सिलेक्शन पक्का होगा, और एकदम नेगेटिव ना सोचें। ठीक है, थैंक यू सो मच।